सो मैं भी डिवाइन कलेक्शन के लिए वेट कर रही थी, बट इस बार जो कलेक्शन आया है, ऐसा कलेक्शन हमने इसके पहले कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया है। ओनली 20 ग्राम से हमारे आज के वीडियो में ये नेकलेसेस स्टार्ट हो रहे हैं। वेल, ये है 2024 के बेस्ट डिवाइन कलेक्शन के नेकलेसेस फ्रॉम मालाबार गोल्डन डायमंड्स। सो गाइज, आपको ये तो पता ही है कि मालाबार का जो डिवाइन कलेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू शेयर कि जस्ट बिकॉज इसका कलर है इसलिए ये पॉपुलर नहीं है, बट इसके ऊपर जो क्राफ्टमैनशिप की जाती है काफ़ी इंटीग्रेट होती है, काफ़ी सारे कल्चरल सिम्बॉलिज़म्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, एक रिच कल्चर एंड एक हेरिटेज ज्वेलरी इसको माना जाता है। सो इस तरह का अगर आप कलेक्शन ढूंढ रहे हो तो आज का खास वीडियो आपके लिए है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। वेल, मुझे याद है आप लोगों की स्पेसिफिक डिवाइन कलेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, बट आप लोगों को पता है मैं थोड़ा वेट करती हूँ एंड आप लोगों के लिए कुछ वेराइटी एंड यूनिक कॉन्टेंट्स लाती हूँ ज्वेलरी के। सो मैं भी डिवाइन कलेक्शन के लिए वेट कर रही थी, बट इस बार जो कलेक्शन आया है, ऐसा कलेक्शन हमने इसके पहले कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया है। सो मैं इस वक्त हमारे फेवरेट ज्वेलरी स्टोर में, विच इज़ मालाबार गोल्डन डायमंड्स। सो मालाबार का ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कलेक्शन होता है डिवाइन कलेक्शन, जिसमें जो ज्वेलरी होती है थोड़ी सी आपको रेडिश मिलती है, काफी ज्यादा रिचनेस एंड रॉयल्टी होती है इस कलेक्शन में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे शॉर्ट नेकलेसेस। तो कलेक्शन बहुत सुंदर आया है एंड ये जो कलेक्शन होता है आप शादी फंक्शन में स्पेशली इसको यूज कर सकते हो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट यार, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू आई शारदा व्लॉग्स, आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। वेल, आई विजिटेड टू मालाबार गोल्डन डायमंड्स आफ्टर अलमोस्ट 2 वीक्स एंड मेरे जितने भी रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं जिनको ट्रूली ज्वेलरी पसंद है, काफ़ी आपके रिक्वेस्ट भी आ रहे थे, बट स्पेशली मुझे डिवाइन कलेक्शन की रिक्वेस्ट आ रही थी, मैंने वेट किया। तो अभी बेस्ट टाइम है अगर आपको परचेस करना है तो, बिकॉज कलेक्शंस के जो डिज़ाइंस हैं ना काफ़ी ज़्यादा नए हैं। और भी कलेक्शन आपके लिए आता रहेगा, अगर कोई मेरे चैनल पर पहली बार है प्लीज़ आयशा अदा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना, ताकि ऐसे वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। हमारे आज के वीडियो का सबसे पहला नेकलेस है कुछ इस तरह से। एंड ऑल्सो एक बात, इन सारे ज्वेलरीज को ना कोई भी पहन सकता है, ये सबके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेंगे, ऐसे डिज़ाइंस हैं। तो जैसे कि हमने देखा है कि ये थोड़े से कल्चरल सिम्बॉलिज़म से हेरिटेज है, तो आप पेंडेंट के ऊपर क्लियरली देख सकते हो माता लक्ष्मी का डिज़ाइन बनाया है। तो इसका जो वेट हमें आ जाएगा ओनली 20.73 ग्राम। अप्रॉक्सीमेटली प्राइस हमें यहाँ पे पड़ेगा 1,48,000 के आसपास। तो यहाँ पे मेकिंग चार्जेस है 19.90%। तो डिवाइन कलेक्शन में मैंने तो नहीं देखा था इतना लाइट वेट नेकलेस कभी। अगर आपको ट्रूली जेन्युइनली कुछ परचेस करना है, पसंद है, तो आप चेक कर सकते हो। एंड ऑनेस्टली मेरे खुद के ट्राई ऑन्स आज मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए हैं, ईच एंड एवरी पीस इज़ अ वेरी वेरी गॉर्जियस। एंड ये ज्वेलरी है ना सच में काफ़ी यूनिक होती है कंपेयर टू येल्लो गोल्ड ज्वेलरी। तो आप चेक कर सकते हो वीडियो के एंड में आपको कौन सा लेना है। जो हमारा नेक्स्ट नेकलेस है ना, ये शॉर्ट नेकलेसेस है, तो आप इसका लेंथ भी देख सकते हो एज वेल एज लीव का पूरा पैटर्न इन्होंने यहाँ पे बनाया है। ये कोड आपके लिए 24 ग्राम का ये नेकलेस है। अप्रॉक्सीमेटली प्राइस हमें पड़ेगा 1,72,400 के आसपास। ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। जो झुमका मैंने यहाँ पे पहने हैं वो डिवाइन कलेक्शन के ही है फ्रॉम मालाबार गोल्डन डायमंड्स। अगर आपको सेपरेटली डिवाइन कलेक्शन के ईयरिंग्स का वीडियो देखना है तो एक बार प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज यहाँ पे जो कलेक्शन है ना वो मिक्स टाइप का है, किसी में चांद वाली है, किसी में झुमका है, किसी में नॉर्मल है। तो मैं ट्राई करूँगी कि जैसा कलेक्शन है आपके साथ शेयर करूँ, बट कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना। वेल, अभी थोड़े बहुत हेवी वेट वाले नेकलेसेस के ऊपर चलते हैं। इसका वेट है 45.70 ग्राम। 3,24,000 के आसपास हमें अप्रॉक्सीमेटली प्राइस आ जाएगा। तो इसके ऊपर भी बीच में देख सकते हो आप जो पेंडेंट है उसके ऊपर माता लक्ष्मी का है डिज़ाइन, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। अगर आपको एकदम ऐसा लाइट वेट बजट फ्रेंडली डिवाइन कलेक्शन का टेंपल ज्वेलरी का नेकलेस चाहिए, ऐसे वाले भी आप चेक कर सकते हो। फिर इसके ऊपर आप एक या तो लॉन्ग मंगलसूत्र पहन सकते हो या लॉन्ग नेकलेस। तो यहाँ पे हमें इसका वेट आ जाएगा 21.30 ग्राम एंड अप्रॉक्सीमेटली प्राइस पड़ेगा 1,44,300 के आसपास।
तो आप सारे क्लोजअप लुक्स भी देख सकते हो कितने ज़्यादा ये गॉर्जियस लगते हैं एंड बहुत प्यार से इनको बनाया है ऐसा लगता है इनको देखने के बाद। तो इस तरह से इसका लुक आपको आ जाएगा। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आज के वीडियो में मुझे ये नेकलेस काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा है। डिवाइन कलेक्शन के ऊपर आई थिंक मैंने दो बार आपके साथ कलेक्शन शेयर किए फ्यू मंथ्स बैक, बट ऐसा कोई नेकलेस मैंने अब तक तो उसमें नहीं देखा था। वेल, ये हमें थोड़ा सा हेवी वेट में आ जाएगा, लाइक 50 ग्राम का है। ये तो मैं आपको ग्रॉस वेट बता रही हूँ, नेट वेट आप क्लियरली देख सकते हो 47.70, 333,200 के आसपास हमें इसका प्राइस आएगा। आप मेरे ट्राई ऑन में आगे पीछे क्लियरली भीड़ देख सकते हो, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड अभी गोल्ड के रेट बहुत बढ़ गए हैं, बट जिनका रिक्वायरमेंट होता है, अभी मैरिज सीजन भी चल रहा है तो ब्राइडल कलेक्शंस के लिए भी लोग आते हैं, तो जिनका रिक्वायरमेंट है वो तो परचेस करते हैं, बट अगर आपको अभी परचेस नहीं करना है तो आप ये सारे डिज़ाइंस ना आपके विश लिस्ट में ज़रूर रखना, बिकॉज ऐसे डिज़ाइंस बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। मैंने खुद इसके लिए इतना वेट किया तब जाके ये कलेक्शन मिला है, सो आप इनके स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। ये है 34.36 ग्राम का अलमोस्ट, एंड दिस इज़ द कोड फॉर यू, बिकॉज आप लोग कोड्स के लिए बहुत पूछते रहते हो। अप्रॉक्सीमेटली प्राइस आ जाएगा 251,300। तो जहाँ से मैंने शूट किया है ये कोंडापुर का है, मालाबार गोल्डन डायमंड्स हैदराबाद, तो यहाँ पे तो ये कलेक्शन अवेलेबल है। एंड आई नो मेरे सारे ही सब्सक्राइबर्स अलग अलग सिटीज से हैं, तो या तो आप इनको ही कॉल करके ये परचेस कर सकते हो या आपकी नियर बाय शोरूम में जाके भी चेक कर सकते हो। सारे कोड्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, या तो आप वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो। वेल, यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो बीच में पेंडेंट है काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, प्लस ऊपर के पार्ट में इन्होंने कासू माला का इसको ऐसे डिज़ाइन बनाया है, तो काफ़ी ऐसा दोनों मिला के इन्होंने कंबाइन करके डिज़ाइन बनाया है। तो यहाँ पे हमें इसका वेट आ जाएगा 30.22 ग्राम एंड अप्रॉक्सीमेटली प्राइस पड़ेगा 2,07,700 के आसपास, 16.90% के आसपास ही हुए है। तो काफ़ी ऐसा ये गॉर्जियस कलेक्शन होता है, तो आप इसको एक बार ज़रूर चेक करना। कोई भी डिज़ाइन आपको पसंद आती है तो इन सारे क्लोजअप लुक्स, सारे ट्राई ऑन्स आपके लिए, मेक श्योर एक लाइक किया होगा ना, प्यारा सा कमेंट भी आपने किया होगा। तो यहाँ पे जो झुमका मैंने पहने ना, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे वो। यहाँ पे ऐसे भी नेकलेसेस हैं हाँ, कि जिसमें ओनली गोल्ड ही आपको चाहिए, कोई ऐसा स्टोन नहीं चाहिए, बीड्स नहीं चाहिए, बिकॉज आपने देखा काफ़ी सारे नेकलेसेस में बीड्स है, तो बहुत सारे लोगों को वो पसंद नहीं होता है। तो ऐसे भी डिज़ाइंस है, तो यू कैन गो विद दिस काइंड ऑफ डिज़ाइंस। वेल, इसका वेट हमें आ जाएगा 40.86 ग्राम, अप्रॉक्सीमेटली प्राइस पड़ेगा 2,91,700 के आसपास। तो ऑल माई लवली सब्सक्राइबर्स, सारे ही प्राइजेस हमारे अप्रॉक्सीमेटली है। मैंने जब शूट किया ऑलमोस्ट 6,010 रुपीज़ का ऐसा कुछ था रेट, अभी कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, तो कोई चांसेस नहीं है, मतलब तो अकॉर्डिंगली ही आपको प्राइस लगेंगे। 16.90% के आसपास यहाँ पे वीए है, एंड इनके लेंथ यहाँ पे मेंशन तो नहीं है, बट आप देख सकते हो जब मैं पहन रही हूँ तो क्लियरली हो जाएगा आपका कि ये कैसे दिखेगा, इसकी लेंथ क्या है, तो घर बैठे बैठे सारा आइडिया आपको आ जाएगा, जैसे अब तक आता रहा वैसे। ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगा मुझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने जो लीफ है ना उसको कितना ब्यूटिफुली अटैच किया है, एकदम छोटे छोटे ऐसे बनाया है, एंड बीच में माता लक्ष्मी का जो पेंडेंट है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। कोई भी पूजा है, फंक्शंस है, या आपको टेंपल में जाना है, तो ऐसी ज्वेलरी सच में आप पहनोगे ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। 42.45 ग्राम का ये नेकलेस है, अप्रॉक्सीमेटली प्राइस हमें पड़ेगा 3,10,300 के आसपास। सो यहाँ पे जितनी भी मैं नेकलेसेस आपको दिखा रही हूँ ना, एक और बात शेयर करनी थी, इनके साथ साथ यहाँ पे लॉन्ग नेकलेसेस का भी कलेक्शन है। तो मोस्टली जो लोग यहाँ परचेस के लिए आते हैं, या तो वो सेट लेते हैं या ओनली नेकलेस लेते हैं, तो आप बाद में बोलोगे कि दी आपने सिर्फ नेकलेसेस शेयर किए, ईयरिंग्स नहीं शेयर किए, तो इसलिए मैंने नहीं शेयर किए, क्योंकि लोग इसको या तो सेपरेटली परचेस करते या पूरा का पूरा सेट ही उठा के लेके जाते हैं। तो आप मुझे सच में कमेंट कर देना कि आपको डिवाइन कलेक्शन के ही स्पेसिफिकली ईयरिंग्स देखने हैं, तो नेक्स्ट विजिट में मैं ट्राई करूँगी कि वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। वेल, ये वाला नेकलेस भी आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो गोल्ड के बॉल्स हैं ना काफ़ी ज़्यादा टाइनी है। इसका वेट हमें ऑलमोस्ट आ जाएगा 41.27 ग्राम के आसपास, 2,96,300 के आसपास हमें यहाँ पे प्राइस आएगा, 19.90% के आसपास वीए है।
सो आप लोग इनको वेबसाइट के ऊपर भी चेक कर सकते हो, बिकॉज मैं तो कभी करती नहीं, बट आप लोगों के साथ मुझे कोड शेयर करना पड़ता है, आप इनको चेक करके ज़रूर बताना। एंड ये सारे कलेक्शंस आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना, बिकॉज आई रिमेम्बर ये बहुत लोगों ने मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि दी हमें डिवाइन कलेक्शन देखना है। सो काफ़ी मेहनत से ये वीडियो आपके लिए लाया है उसके लिए। वेल, ये है 33.89 ग्राम का, लेकिन आप इसका एक बार पैटर्न देखिए कितना ब्यूटीफुल बनाया, जो पेंडेंट यहाँ पे है ना, ऐसा लगता है कि इतना प्यार से बनाया है ना इसको। सो सच में यार, ये डिवाइन कलेक्शन की जो ज्वेलरी है ना, एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करती है जब भी आप इसको देखते हो, जब भी पहनते हो ना, बिकॉज इनके लुक्स काफ़ी यूनिक होते हैं, ह्यूमन आई को काफ़ी ऐसे अलग ही दिखता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप भी आपका शेयर कर सकते हो। 2 लाख के आसपास हमें प्राइस आ जाएगा। एंड आप ये भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, लाइक यू कैन जस्ट इंटरैक्ट विथ ईच अदर, कि आपको टेम्पल कलेक्शन की ज्वेलरी पसंद है या एंटिक पसंद है या येल्लो गोल्ड। सो बाकी सारे हमारे चैनल पे जो लेडीज़ हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा और पता चलेगा। मैं तो ट्राई करती ही रहती हूँ कि मेरे वीडियो के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ, बट सबके पास ज्वेलरी होती है, तो आप भी आपका एक्सपीरियंस कभी भी एनी टाइम हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। आफ्टर ऑल वी ऑल आर लेडीज़ ऑन दिस चैनल, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी लवर्स है। वेल, ये वाला नेकलेस भी आप देख सकते हो, लेकिन इसमें जो माता लक्ष्मी का पेंडेंट है वो थोड़ा सा बिग है। 48.80 ग्राम हमें इसका प्राइस आ जाएगा, 3,40,520 रुपीज़ के आसपास प्राइस आ जाएगा जब मैंने शूट किया था उस दिन। एंड यहाँ पे वो कोड है आपके लिए, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड पहनने के बाद जो लुक्स आ रहे थे ना आज, सच में काफ़ी ज़्यादा डिवाइन लग रहे थे। एंड ईयरिंग्स तो हर एक नेकलेस के ऊपर सूट हो रहे हैं, अगर आपने लाइक नोटिस किया होगा तो। वेल, काफ़ी सारे लोगों को डिवाइन कलेक्शन या टेम्पल ज्वेलरी जो होती है ना, वो इस तरह के नेकलेसेस या इस तरह के पैटर्न्स में पसंद आती है, जो कि थोड़े बहुत लॉन्ग टाइप दिखे या फिर इनके पैटर्न्स ऐसे हो जाए। तो ये है 25.33 ग्राम का, 1,78,800 के आसपास हमें इसका प्राइस आ जाएगा। तो इनको आप थोड़े बहुत चैन नेकलेस भी बोल सकते हो, बिकॉज इनके जो पेंडेंट्स है वो तो बिग है, लेकिन ऊपर का जो पैटर्न है चैन पैटर्न, वो थोड़ा सा थिन में आपको आ जाएगा। लेकिन आपको सच में थोड़ा भी टाइम है ना, तो इनके स्क्रीनशॉट्स लेके आप एक बार इनके ऊपर जो क्राफ्टमैनशिप है ना, वो एक बार ज़रूर देखना, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। एंड बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही ज्वेलरी के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज मैं अगर और एक्सप्लेन करूँगी ना तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ द क्यूटेस्ट नेकलेस आई वुड से फ्रॉम टुडेज़ वीडियो, बहुत प्यारा है। 25.99 ग्राम का है, मतलब ऑलमोस्ट 26 ग्राम आप मान लो, तो आप देख सकते हो कितना सुंदर इसके ऊपर क्राफ्टमैनशिप किया है। 1,83,700 के आसपास प्राइस आएगा। जो मालाज होते हैं ना, उस तरह का आपको थोड़ा बहुत इसके बेल्ट के ऊपर काम देखने को मिल जाएगा। एंड इसका जो लेंथ है ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, तो जिन लोगों को थोड़ा शॉर्ट नेकलेस पूरे गला भर पहनना पसंद नहीं है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, आप लुक देख सकते हो, कुछ इस तरह से आ रहा था। सो या एट द एंड ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कौन सा डिज़ाइन पसंद आया है। एंड ये वाला भी आप देख सकते हो, थोड़ा सा यूनिक था तो मैंने सोचा कि शेयर कर लूँ। वेल, ये एक ऐसा नेकलेस है कि ब्राइडल के लिए भी आप चेक कर सकते हो, एंड आपके लिए तो एनी टाइम यार, सेल्फ गिफ्टिंग तो बनता है हमेशा। 53.99 ग्राम का है ये, सॉरी गाइज। एंड इसका यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली प्राइस हमें पड़ेगा 3,77,000 के आसपास। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशन है ना, थोड़ा सा स्टोन का कॉम्बिनेशन है, लाइक ग्रीन, उसके बाद थोड़े छोटे छोटे इन्होंने पोल्स भी यहाँ पे लगाए हैं, तो आप देख सकते हो तो इस तरह से लग रहा था, बट पहनने के बाद जो लुक आ रहा था, ओह माय गॉड, इट वाज रियली ब्यूटीफुल। वेल, डिवाइन कलेक्शन देख रहे हैं और चोकर्स आपको नहीं दिखाया, ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज देर आर मेनी पीपल हु ट्रूली लव्स चोकर्स। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा चोकर, ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किए हैं, बट जो भी थे 2-3 अच्छे वाले आपके लिए निकाले। वेल, इसका वेट हमें यहाँ पे आ जाएगा 51.56 ग्राम। एंड जो भी चोकर्स होते हैं ना, वो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हीवी वेट में आपको मिल जाते हैं, तभी तो वो अच्छे लगते हैं ना, तो आप चेक कर लेना।
369,000 के आसपास हमें इसका प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्लावर का पैटर्न इन्होंने बनाया है, जो डिज़ाइन इन्होंने बनाया है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या देखना है मालाबार गोल्डन डायमंड से, उसके लिए भी मुझे एक बार प्लीज़ कॉमेंट कर देना। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं आपके लिए कलेक्शंस लाती रहती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग एंड कमेंट्स के अकॉर्डिंग, बट कुछ स्पेसिफिक देखना है तो प्लीज़ बता देना। एंड इस तरह से लग रहा था। एंड एक और था यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा सा पोलकी जैसे होते हैं ना बीट्स, उस तरह का काम किया है। तो इस टाइम तो अवेलेबल थे, मैं इतने टाइम से विजिट कर रही थी, यहाँ पे कलेक्शन ही नहीं था, बिकॉज जो भी आ रहा था आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा था इसलिए। बट इस बार काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया है। एट प्रेजेंट ये स्टोर में अवेलेबल है, 40.91 ग्राम का है ये, 275,200 के आसपास प्राइस आ जाएगा। एंड ये बैक साइड भी आप देख सकते हो, इसका कोड वगैरह यहाँ पे मेंशन है। तो इसकी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है गाइज, आप देखो ये जो पुलकी टाइप होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत अगर आपका ड्रेस मैचिंग है तो मैचिंग भी हो जाता है। एंड ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा था, चोकर्स के लिए एक अलग ही फैन बेस है। एंड जो ब्राइडल्स होते हैं उनके लिए भी आप चोकर्स देख सकते हो। वेल, रियल रूबी एम्ब्रॉयड में भी जो डिवाइन कलेक्शन है वो होता है। यहाँ पे पोल्स का काम किया है, रूबीज है, एम्ब्रॉयड है, एंड बीच में आप देख सकते हो पूरे भगवान जी के ऐसे इन्होंने डिज़ाइंस बनाए हैं। तो काफ़ी सुंदर ऐसा है ये डिवाइन कलेक्शन का नेकलेस। 48 ग्राम का है, अप्रॉक्सीमेटली प्राइस आ जाएगा 341,000 के आसपास। तो जो मैं अभी टैग दिखा रही हूँ आप देख सकते हो, 41.60 इसमें टोटल गोल्ड है जो कि नेट वेट है। बाकी अगर कुछ स्टोन वगैरह है तो सारी डिटेल्स आपके सामने है। एंड नेचुरल जो रियल रूबी एम्ब्रॉयड होते हैं उसके रिटर्न्स भी आप सेलिंग के टाइम चेक कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से ये लग रहा था। तो हमारे वीडियो के ऑलमोस्ट एंड में हम आ चुके हैं। एंड वाइल फिनिशिंग मैंने एक और देखा था नेकलेस, जो कि थोड़ा आप देखो डिवाइन कलेक्शन का तो है, लेकिन उसमें भी आपको ना थोड़ा सा एंटिक जैसा फिनिशिंग मिल रहा है इसके ऊपर। एंड ऊपर का जो इसका पार्ट है काफ़ी ज़्यादा चैन टाइप वाला है। ऑल्सो दिस इज़ इन लाइट वेट, लाइक 31.18 ग्राम में आपको आएगा। लेकिन आप एक बार इसका काम देखिए कितना सुंदर किया है। तो यहाँ पे हमें इसका जो अप्रॉक्सीमेटली प्राइस है वो पड़ेगा 227,600 के आसपास। एंड गाइज, आई नो आज का वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया है, बिकॉज 19 कुछ ऐसे डिज़ाइंस मैंने विथ ऑल इन्फॉर्मेशन एंड ट्राई ऑन शेयर किए हैं। पर थोड़ा थोड़ा अगर प्रोडक्ट अच्छा है उसके बारे में बोला तो वीडियो थोड़ा सा कभी कभी लंबा भी हो जाता है। बट एट द एंड आप इतना सारा परचेस कर रहे हो तो आपको भी पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, वो कैसा दिखता है। तो मैं हमेशा ही ट्राई करती हूँ कि मेरे ऑल सब्सक्राइबर्स को, मेरी यूट्यूब फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही मैं शेयर करूँ। अल्सो जो मालाबार का फेयर प्राइस प्रॉमिस होता है, इसके वजह से आपको मेकिंग चार्जेस यहाँ पे काफ़ी कम लगते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन कलेक्शन में लॉन्ग नेकलेसेस या लॉन्ग हरम्स भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। अल्सो मुझे और कलेक्शंस के लिए भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो वो सारे भी बहुत जल्द फुलफिल करूँगी। डिवाइन कलेक्शन के ऊपर एक यहाँ पे बैंगल का पैर मैंने देखा है, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, एज वेल एज ये सॉलिड है। तो इनके जो वेट है ना काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहे थे, ऑलमोस्ट 30 ग्राम का तो एक बैंगल आपको आ जाएगा। तो बैंगल का कलेक्शन थोड़ा बहुत है यहाँ पे डिवाइन कलेक्शन का। तो इसके साथ साथ और भी कलेक्शंस आपके लिए आने वाले हैं, आप बने रहना। एंड मैं आशा करती हूँ ट्रूली कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, या कभी भी आप परचेस करोगे आपको हेल्प ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो, मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय।